नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा तो दोस्त मनु मोड़। पंजाब जीके दी सिख गुरु रिलेटेड अपनी यह सैकंड क्लास है। पंजाब जीके दे होर टॉपिक्स रिलेटेड मैं होर काफ़ी वीडियोस अपने चैनल दे तुहानू प्रोवाइड करा चुके हैं। जे तुसी वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस दे एंड विच तुहानू लिंक मिलने, एक बार उन्होंने जाके विजिट जरूर कर लियो। दोस्तों यह तुहाडे सामने सिख गुरुआं दा पूरा चार्ट है। इन्हां विच सिख गुरुआं दे नेम, नंबरस एंड माता पिता, बच्चे, पुत्र, सारा कुछ डिटेल इन्हां विच मैं नोट कीती हुई है। एक बार तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लैके ते सेम इस तरह का चार्ट अपनी नोटबुक ते ड्रा कर लो ते रोज़ इस नूं देखा करो, तां तुहानूं ईजीली रिलेट करके इन्हां दे नाम याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, हुण आपां स्टार्ट करदे हां अपनी अज दी क्लास। जिवें कि कल दी क्लास विच आपां गुरु नानक देव जी बारे, सिक्खां दे पहले गुरु बारे पूरी डिटेलिंग विच क्वेश्चनस कित्थे सी। अज की क्लास में आप सैकंड गुरु सिखा ने सैकंड गुरु गुरु अंगद देव जी रिलेटड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन्होंने कवर करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, सिख धर्म का दूजा गुरु कौन सी? तो गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूजे गुरु सन। तो क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी का पहला नाम की सी? तो भाई लहणा जी गुरु अंगद देव जी का पहला नाम से। गुरु नानक देव जी ने इन्हों का नाम चेंज करके भाई गुरु अंगद देव जी रख दिता से। तो क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी का जन्म कदों होया सी? 31 मार्च 1504 ईस्वी में मुक्तसर नेड़े एक पिंड से सराई नामक एक पिंड से, उस विच गुरु अंगद देव जी का जन्म होया सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम के सी? तो भाई फेरू जी गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी की पत्नी का नाम की सी? बीबी खीवी गुरु अंगद देव जी की पत्नी का नाम से। देखो दोस्तों, जो तुम पंजाब जीके वास्ते बेस्ट बुक में परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिता हुआ। यह लेटेस्ट बुक है, मतलब कि लेटेस्ट एडिशन बुक है। जो तुम बुक खरीदना चाहते हो तो ओल्ड एडिशन बुक ना खरीदो, सिर्फ लेटेस्ट एडिशन बुक ही खरीदो। एंड जिहड़ी बुक विच मैं स्टडी करदा उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिता है। बुक स्टोर से तुहानू यह बुक शायद ना मिले तो तुसीं अमेजोन तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, एंड कैश ऑन डिलीवरी भी इस बुक से तुहानू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो खंडूर साहिब नेड़े तरन तारण के एक अपना शहर स्थापित किया खंडूर साहिब। तो क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, गुरुमुखी लिपि के सुधारक कौन मनिया जाता है? तो गुरु अंगद देव जी। देखो क्वेश्चन दोस्तों यह इस तरह का भी बन सकता है कि गुरुमुखी लिपि का फाउंडर कौन सी या खोजी कौन सी? तो गुरु नानक देव जी से। तो सुधारक कौन से जिन्होंने गुरुमुखी लिपि में सुधार किया? तो वह गुरु अंगद देव जी से। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, मल अखाड़ा की शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद देव जी काफ़ी फिट परसन से उस टाइम, तो उन्होंने एक शौक से अखाड़े का, तो उन्होंने मल अखाड़े की शुरुआत की गुरु अंगद देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी जन्म साखी किस द्वारा लिखी गई थी? तो गुरु अंगद देव जी ने जन्म साखी की रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने किसकी मदद नाल जन्म साखी की रचना की थी? तो उन्होंने दिनों में भाई बाला जी गुरु नानक देव जी के नाल रहिंदे सन, जिन्होंने हर गल का गुरु नानक देव जी रिलेटड पता से, तो उन्होंने तो पुछ पुछ के ही गुरु अंगद देव जी ने जन्म साखी का निर्माण किया। एंड दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसी पोल्ट्री साइंस कंप्यूटर अते पंजाब जीके दे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज है, तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है। इससे मैंने फॉलो करके मेरे नाल गल करके तुसी यह इंपोर्टेंट PDF फाइल में परचेज कर सकते हो। इस PDF फाइल में दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में जिहड़े भी क्वेश्चन आए हैं या रिपीट हुए हैं वह सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल यह PDF फाइल काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, किसने गुरु का लंगर प्रणाली की संस्था को अगे बढ़ाने के कदम चुके सन? तो गुरु अंगद देव जी ने स्टार्टिंग तो ही गुरु नानक देव जी ने करती सी लंगर प्रथा की स्थापना, तो बट अगे जिन्हों लैके गए थे इस प्रथा में तो वह गुरु अंगद देव जी सन। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी के पुत्र पुत्रियों के नाम, मतलब बच्चों के नाम, थोड़ा इतने स्पैलिंग मिसटेक हो जाती है कई बार, तो पुत्र दो पुत्र सन गुरु अंगद देव जी, दासू और दत्तू, तो दो पुत्रियां सी अमरो और अनोखी। एंड क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी की माता का नाम क्या सी? तो माता दया कौर गुरु अंगद देव जी की माता का नाम से। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने कदों तो कदों तक सिख गुरु गद्दी नूं संभाली रखी? तो 1539 तो लैके 1552 तक गुरु अंगद देव जी ने गुरु गद्दी नूं संभाली रखी।
क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी दे समय मुगल सम्राट कौन सी? तां हमायूं एंड शेरशाह सूरी गुरु अंगद देव जी दे समकाली ने। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी दे जोते जोत समाउन दा समा की सी? तां मार्च 1552 खंडूर साहिब विच गुरु अंगद देव जी जोते जोत समा गए सन। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी दा जन्म कित्थे होया सी? मत्ते दी सराई मुक्तसर विच एक पिंड है ये जिथे गुरु अंगद देव जी का जन्म होया सी। ते क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी किस जात नाल संबंधित सी? तां खत्री जात नाल गुरु अंगद देव जी संबंधित सी। ते क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए दोस्तों, गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी नूं मिलण तों पहलां किस दे भगत सी? तां देवी दुर्गा दे यानी माता दे भगत सी गुरु नानक देव जी तों मिलण तों पहलां। ते क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी दी गुरु नानक देव जी नाल मुलाकात सब तो पहला कितने हुई सी? तो करतारपुर साहिब विच सब तो पहला मुलाकात। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ते पंजाब जीके विच एना रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन तुहानू एग्जाम विच देखण नू मिलणगे। तां करके सिर्फ वीडियो देखो ना, अपनी नोटबुक ते नोट भी करते रहो इन्हां क्वेश्चनां नू। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी का किहड़ा भजन यानी किहड़ी बाणी सुन के प्रभावित होए सन? तां आसा दी वार जदों गुरु नानक देव जी ने सुनाई सी उन्होंने तो काफ़ी प्रभावित हुए थे। 37 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दे बारिशां ने कितों कढ़ दिता से? गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दे बारिशां ने कितों कढ़ दिता से? तो करतारपुर साहिब विचों गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दे बारिशां ने कढ़ दिता से एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, उदासी मत किसने शुरू की थी? तो श्री चंद। हुण श्री चंद दोस्तों कौन से? यह सवाल तुहाडे लिए मैनूं वीडियो विच कमेंट करके तुसीं दस दोगे कि श्री चंद यह सी ओह सी जो भी सी, वीडियो विच कमेंट जरूर करो। तो क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने किस रागी नूं दरबार विचों कढ़ दिता से? तां सत्ता अते बलवंत रागी नामक रागी सी इन्हां नूं दरबार विचों कढ़ दिता गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने खंडूर साहिब के नेड़े किहड़े नगर की स्थापना की सी? तो गोइंदवाल नामक नगर की अंगद देव जी ने स्थापना की सी। ओके दोस्तों, ये पंजाब जी के इंपोर्टेंट टॉपिक गुरु अंगद देव जी के जीवन बारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। डेली की तरह कल आप शाम को 6 बजे सिखा के तीजे गुरु 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 अमरदास जी बारे पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा। हुण जे तुसीं भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बैटर बनाना चाहते हो तो साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, तो एक प्यारा जिहा कमेंट जरूर करके जाओ।